संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इसी के खिलाफ गोहाना में सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ सरकारी खर्चे पर प्रतिमा लगाने की मांग की। सभी सामाजिक संगठन जो जींद के गाँव लोचक में बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेचू जला करके खंडित किया गया है, उसके बारे में हम रोष प्रकट करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि गिरफ्तारियों को तुरंत, जो दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और सरकारी खर्च पर जो बाबा साहेब का स्टेचू उन्हें स्थापित करके उसकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं बल्कि विश्व रत्न के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के कानून को एक ऐसे सुई धागे में ऐसा पिरोया कि आज तक भी उस कानून के तहत सारा समाज चला हुआ है, सारा देश चला हुआ है। कल एक ऐसी घिनौनी हरकत शरारती तत्वों द्वारा की गई लोचब गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर, उनकी प्रतिमा का उनको जलाने का आग के हवाले कर दिया गया शरारती तत्वों द्वारा। ये घिनौना काम है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और बहुत ही निंदा करते हैं। आज सारे संगठन SCBC के सारे संगठन गवाने से जुड़े हुए सारे इकट्ठा हुए बाबा अंबेडकर चौक के ऊपर और सभी ने एकमुश्त होकर करके ये फैसला लिया। एक मीटिंग की गई कि लोचव गांव के अंदर जिन लोगों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति का खंडन किया गया है और उसको आग के हवाला किया गया है, ये जो है बहुत ही निंदनीय काम है और बहुत ही समाज में एक जहरीला एक सांप की तरह उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसकी बहुत निंदा करते हैं और मैं ये मांग करता हूं सरकार से भी, प्रशासन से भी, कल सरपंच द्वारा भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है जो अखबार के बाद से आ हुआ है, DSP ने भी जांच की गई है। हम प्रशासन की और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह का काम कदम ना उठा सके, उनको ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए आगे इतनी लंबी जेल की सजा हो और इतने बड़े उनके कानून के तहत उसको गिरफ्तार होनी चाहिए ताकि वो बाहर ना आ सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिर दोबारा बाबा साहब को याद करते हुए उनकी स्मृति में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, गवाना नगरवासी और सारे संगठन SCBC सर्कल जुड़े हुए हैं, तो सभी ने इसकी प्रशंसा की है और निंदा की है और ये बहुत घिनौना काम किया है। इसीलिए जो है सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं ऐसे शरारती तत्वों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिसने भी ये काम किया है बहुत घोर निंदनीय कार्य किया है। इस तरह के काम इतने महान पुरुष के साथ नहीं करने चाहिए, इसलिए मैं प्रशासन से और हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि वह जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और स्टैचू का पुनर्निर्माण सरकार के द्वारा करवाया जाना चाहिए। और ये सांप्रदायिक के भावना फैलाने के लिए और आपसी द्वेष पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करवा देनी चाहिए। तो मेरा नाम निर्माण है। बता दें कि 6 अप्रैल को जींद जिले के लोहचब में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने पिछले दिनों खंडित कर दिया। इसी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।